नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीकांति कंवर है। मैं तुमान की हूँ और अपना पढ़ाई जो है बिलासपुर में कंप्लीट करती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे को टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड जो कि एक सालमोनेना टाइफी के द्वारा होने वाला बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से बहुत सिर दुखता है, बहुत तेज बुखार रहता है, पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है। तो इसके लिए मैं हॉस्पिटलाइज भी थी। लगभग 8 से 10 दिन में हॉस्पिटलाइज थी और डॉक्टर ने मेरे को अच्छे से ट्रीटमेंट किया, लेकिन उस ट्रीटमेंट में मेरे को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब मेरी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुई। फिर मेरे घर वाले ने मेरे को घर बुलाया, तो मैं घर जब जा रही थी ना, उसी वक्त कटघोरा में मेरे एक फ्रेंड से मुलाकात हुई, जिसका नाम है इमरान। तो उसने मेरा हालात इतना ख़राब था देख के पूछा कि सर तुझे क्या हुआ करके। तो मैंने बताया कि उससे मुझे टाइफाइड हुआ है। फिर उसने अपने एक सर का नाम बताया, जिनका नाम है रहीम जानी अंदाज, जो कि कटघोरा में निवासरत है। उनके पास वही जो है मेरे को उनका एड्रेस बताया, बोले कि उनके पास तू एक बार जाके देख, शायद तबीयत में सुधार आ जाए। फिर मैं तुरंत ही गई रहीम सर के पास। उन्होंने मेरे को मेडिसिन दिया, आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया। सिर्फ 3 ही खुराक दिया उसने। तुरंत तो मेरे को 1 खुराक को अपने हाथों से ही खिलाए, गर्म पानी ही से। उसके बाद 3 खुराक मेरे को और दिए, उसको मैं घर में जाके खाई। मेरा तबीयत जो है सिर्फ 2 दिन में बहुत अच्छा सुधार हुआ। 2 ही दिन में, फिर 3 दिन बाद आके मैं हॉस्पिटल में चेक करवाई और रिपोर्ट दिखाई, तो बिल्कुल भी निगेटिव ही आया। जो कि ऐसा बोलते हैं, टाइफाइड बीमारी को ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी 6 से 7 साल तक जाता है। तो सिर्फ 7 दिन में, मतलब 7 क्या, सिर्फ 4 दिन में मेरी तबीयत में इतना अच्छा सुधार हुआ, निगेटिव रिजल्ट आया। मैं बहुत ही खुश हुई, क्योंकि मैं इतना भुगत चुकी थी, मेरा पढ़ाई इतना डिस्टर्ब था। इसलिए मैं सबको सलाह दूंगी कि जो रहीम सर हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट करते हैं, प्लीज़ आप भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करें। थैंक यू रहीम सर एंड थैंक यू गॉड जी। मैं तो आपको कुछ दे नहीं सकती, लेकिन हमेशा दुआ करूँगी भगवान जी से कि आपको इतना और आगे बढ़ाए, ताकि आप मेरे को जैसे हेल्प किए हैं, उसी तरह और भी किसी का, बहुत सारे लोग का हेल्प करें। थैंक यू सर, थैंक यू गॉड जी।